होने के बाद वही कंपनी जिधर इन लोगों ने 4 महीने लगाए तो वो बोलती है आओ यार जॉब ऑफर भी लेके जाओ। ये ज्यादातर 90-95% स्टूडेंट्स के साथ ये होता ही है। ऐसा ही होता है सर? बिल्कुल ऐसा ही होता है। ओके गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज 4 पाकिस्तानी भाई हमें मिले। एक शजी पाकिस्तानी भाई, आपने सुना था, 4 पाकिस्तानी भाई से मुलाकात हो रही है और ये सारे स्टूडेंट वीज़ा पे आए हुए हैं। तो आप इनसे एक एक करके बात करते हैं, इनके एक्सपीरियंस लेते हैं कि भाई किस तरह आए, क्या किया, किस तरह आपकी कोर्स पढ़ी, कौन सी यूनिवर्सिटी में है, कहाँ से आईलेट्स किया, खुद प्रिपेयर किया। तो सारी इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एक एक भाई से आप पूछते हैं कि क्या नाम है और क्या सारी सिचुएशन शुरू करते हैं। जी वली भाई, नाम बताया पहले अपना। मेरा पूरा नाम वली रहमान है। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ बुनेर से, जो स्वात के आसपास ही आता है। और मैंने पाकिस्तान में बैचलर्स किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और मेरा जीपीए जो है वो 3.21 था और आइट्स मेरा 7 था जी। तो आप यहाँ पे कौन से कॉलेज में आए हो? मैं यहाँ पे लंगेरा कॉलेज में। अच्छा, तो आपका प्रोग्राम क्या है? पोस्ट डिग्री डिप्लोमा इन डेटा एनालिटिक्स। ओके, अच्छा गाइस, तो बहुत सारे मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि शर जी आपने बिजनेस एनालिटिक्स में किया है, आप डेटा एनालिटिक्स कहते रहते हैं, तो जो कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड बनते हैं, देखें भाई ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पे यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पोस्ट, हालांकि मैं काफ़ी अगेंस्ट हूँ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के कि यार वीज़ा नहीं मिलते, लेकिन देखें मैं भी गलत हो गया, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पे यहाँ पे आए हुए हैं और ये लंगारा कॉलेज में है, राइट? जी जी, और 2 साल का डिप्लोमा का प्रोग्राम है और वही 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपका। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी कितनी टोटल कॉस्ट वगैरह आपकी लगी? अप्रोक्सीमेटली मेरे लगे हैं 35 लाख आने तक अल्टीमेटली। हाँ। उसमें जीआईसी और पहले साल की फीस, इवन इसमें सब कुछ, टिकट से लेकर सब कुछ जो अब तक मेरा लगा हुआ है। ओके ओके, चलें भाई, ये तो वली रहमान थे जो आईटी बैकग्राउंड से थे। अब ये हो गए कि आईटी बैकग्राउंड से, मैंने आपको बता दिया कि डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में आए हुए। अब भाई आपसे बात करते हैं, थोड़ा सा नाम। और मेरा नाम असद डोगर है, ठीक है, और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। उसके अलावा मैंने एफएससी की थी प्री इंजीनियरिंग वहाँ से, और आइल्स में 7 बैंड था मेरा, नॉट लेस देन 6.5। और यहाँ पे मैं लंगारा कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। बीबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट में मैंने एडमिशन लिया, 4 ईयर की डिग्री है, लेकिन उनका है लंगारा कॉलेज का कि मैं 60 क्रेडिट्स के बाद एक डिप्लोमा ले कर भी एग्जिट करना कर सकता हूँ इफ़ आई वॉन्ट, तो इट्स अ गुड ऑप्शन। अच्छा गाइज, ये ना बहुत सारों को नहीं पता होता, काफ़ी जब आप यहाँ पे आते हो या स्टूडेंट्स आते हैं ना तो एक्सपीरियंस शेयर होता है। अब जैसे असद ने बताया कि भाई 4 साल की डिग्री पे भी 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है और 2 साल की डिप्लोमा या डिग्री पे भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट 3 साल का ही मिलता है। तो ये आए एक्चुअली 4 साल की डिग्री में। बिल्कुल, मैं 4 साल की डिग्री पे, बट ही कैन एग्जिट हाफ वे थ्रू 2 साल में करके ये डिप्लोमा के उनको लंगारा कॉलेज के थ्रू मिल जाएगा और ये मार्केटिंग में। ओके, तो गाइज वली आईटी में, असद जो है वो मार्केटिंग में आए, तो मार्केटिंग फील्ड्स के जो लड़के हैं वो देख सकते हैं एक्सपीरियंस के लंगारा कॉलेज एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और ये इनका एक्सपीरियंस था। तो आईलेट्स और क्या फीस वगैरह? फीस यहाँ पे $12,000 है, ठीक है, 2 सेमेस्टरों की, ठीक है। उसके अलावा टोटल जो मेरी कॉस्ट वगैरह आई थी वो 35-37 के दरमियान में आई थी, उसमें जीआईसी भी थी, प्लेन की टिकट और ओवरऑल सब कुछ था। अच्छा, तो अल्टीमेटली आपको 35-40 लाख पाकिस्तानी रुपीस के करीब लग रहा है, जिसमें पहले साल की ट्यूशन फीस और जीआईसी। ठीक है भाई, एक और भाई हैं। जी सर, आपका नाम और सारा थोड़ा सा बताएं एक्सपीरियंस कनाडा का। मेरा नाम फैसल है, मैं फैसलाबाद से हूँ। मैंने बैचलर किया है कंप्यूटर साइंस में, ऑनर्स, सो बेसिकली उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहता है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, मास्टर कर रहा हूँ कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक, ये भी आईटी के रिलेटेड एक फील्ड है। मेरे जीपीए जो थी वहाँ पे पाकिस्तान में 3.0 थी, मतलब ना ऊपर ना नीचे, एग्जैक्ट 3.0। और मेरा आइट स्कोर वो 7 था, लाइक मिनिमम जो 6.5 था, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में। अच्छा, तो आपका कुछ एक्सपीरियंस था, मतलब लाइक कोई गैप था या ऐसा कोई चीज़ थी? हाँ, मेरा 3 साल का गैप था। ओके, 3 साल का आपका गैप था, तो भाई कैसे आपने 3 साल का गैप, लाइक होता है ना कि यार गैप हो जाता है तो वीज़ा के चांसेस कम हो जाते हैं, तो आपने कैसे? उसके लिए आपको यार है ना एक वर्किंग एक्सपीरियंस बनाना पड़ता है जहाँ पे आप काम करते रहते हैं। तो आपने इंजीनियर, मतलब आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड काम किया हुआ था? मेरा मतलब जो कोर्स है वो है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक, तो उसी के रिलेटेड मैं सिक्योरिटी सुपरवाइज़र था वहाँ पे, एक था टेक्सटाइल मिल, उसमें
आईटी के रिलेटेड वो फील्ड था, तो उसका मैंने वर्क एक्सपीरियंस लिया था 3 साल था, तो उसी ने सारा मेरा काम किया है, उसी ने सारा काम किया है। भाई देख लें, कंप्यूटर्स वाले जो बैचलर्स जिन्होंने किया हुआ है, मैं बार बार कहता हूँ मास्टर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आप आ सकते हो, और आईटी कनाडा में आईटी की जॉब्स ऑन डिमांड हैं, नंबर वन टॉप पे, आप चाहे किसी भी प्रोविंस में चले जाओ। एक चीज़ मैं आप सबको बता दूं, मैं आपको भी बता दूं फैसल भाई, बीसी पीएनपी में आईटी में आप ग्रेजुएट होने के बाद अगले दिन कंप्लीशन लेटर लेके पीआर के लिए फाइल डाल सकते हैं। मेरा तो मास्टर्स है ना, मास्टर्स का तो वैसे भी मैंने सुना है कि पीआर जल्दी मिल जाता है आपको। पीआर नहीं, आप पीएनपी, अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोविंस में, इनकी पीएनपी पे आईटी टेक सपोर्ट के हिसाब से एक प्रोग्राम होता है बीसी के अंदर, जिसमें आप यहाँ पे आते हैं, चाहे बैचलर्स करें, चाहे डिप्लोमा करें, चाहे आप मास्टर्स करें, आप डायरेक्ट फाइल पीआर में डाल सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये रिसर्च चीज़ है, ये नहीं होती, तो आपको डायरेक्ट ही। और मैं यही कहूँगा कि जो लड़के यहाँ आना चाहते हैं मास्टर्स के लिए, वो अप्लाई करें, मास्टर्स का जो है ना वीज़ा भी जल्दी मिल जाता है बाकियों की नस्बत। हाँ। तो अगर आपका गैप है तो कोई मसला नहीं, 3 से 4 साल का भी गैप है ना, तो कोई मसला नहीं, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस डालें और इंशाल्लाह आपका। और आजकल वीज़ा कितना होगा तकरीबन? मेरा 40K। 40K पूरा पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 40 लाख रुपए भाई। मेरी 22,000 ना कैनेडियन डॉलर जो फीस है साल, पहले साल की, बाकी जीआईसी और टिकट वगैरह डाल के 40K ऑलमोस्ट राउंड अबाउट हो जाता है। सही 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 सही। ओके भाई, अब आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी, आईलेट्स का स्कोर, खर्चा पानी कितना हुआ है कनाडा आने तक, और मज़ा आ रहा है? हाँ, मेरा नाम अली शहजाद है, मैं शेखुपुरा से बिलोंग करता हूँ, और मेरा था, मैंने शेखुपुरा से FSCP इंजीनियरिंग की थी, उसमें मेरे थे 70% थे, और उसके बाद मैंने आर्ट्स स्टार्ट की, आर्ट्स में 2 महीने तकरीबन लगाए और उसमें 6.5 मेरा आया। Okay. और उसके बाद मैंने यहाँ पे किया, अप्लाई कर दिया यॉर्कविल यूनिवर्सिटी में, BBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यॉर्कविल यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे? न्यू वेस्टमिंस्टर में। सारी ये ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर ही हैं, सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स आए हुए हैं, कोई डिप्लोमा, मास्टर्स। ओके, तो आगे लाइक कितना खर्चा होगा तकरीबन? मेरा अराउंड 40K करीब हुआ। 40K करीब के। और आप यहाँ पे बैचलर्स पे हो? जी। अच्छा, तो आपका क्या लाइक मेजर्स क्या है, बिजनेस में हो, किस में हो आप? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हो। अच्छा, तो भाई ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बात करें कि भाई कंपनीज की, MNCs की, तो सप्लाई चेन की यहाँ पे काफ़ी डिमांड रहती है। जैसे यहाँ पे 2-3 बहुत बड़ी ब्रांड्स हैं, जैसे लुलुलेमन हो गई या डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनमें यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब ऑफर्स आती हैं, और आपको सप्लाई चेन में मैंने काफ़ी लोगों को देखा है यहाँ पे आके ये काम करते हैं, तो बहुत सारा अच्छे ऑप्शंस हैं। तो भाई ये चीज़ तो खैर मैं सबको बोलता था कि भाई डिप्लोमा पे मत आओ, वली भाई डिप्लोमा पे आए हैं, ठीक है। अच्छा, ये आए हुए ग्रोइंग फील्ड में, डेटा एनालिटिक्स की बहुत डिमांड है मार्केट में, ठीक है भाई। जो हमारे आप आए हुए हैं मार्केटिंग के अंदर, आए हुए सप्लाई चेन के अंदर, आए हुए सप्लाई चेन के अंदर ही आए हुए, सप्लाई चेन हमेशा से ही रहता है भाई, सप्लाई चेन कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर, और जिस फील्ड में ये कर रहे हैं ना, पर्टिकुलरली फॉरेंसिक में, बहुत सारा लोगों को ये पता है कि डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स फील है, फॉरेंसिक ऑडिट होता है, और फॉरेंसिक में आपके केसेस होते हैं जो पकड़े जाते हैं, इसमें आपको सिक्योरिटीज़ में भी जा सकते हैं, आप काफ़ी जगहों पे होती है, और साइबर सिक्योरिटी एंड क्राइम में भी इनका कोर्स आ सकता है, तो उसमें भी आपका काफ़ी राइट यही है। सिक्योरिटी एजेंसीज, बैंक्स, बहुत इसका तो फील्ड जो ना बहुत वास्ट है। बिल्कुल। असद, आपकी मार्केटिंग फील्ड है, मार्केटिंग तो भाई सबको पता है, काफ़ी लोग यहाँ पे मार्केटिंग के बैकग्राउंड से, काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जो भाई यही पूछना चाह रहे हैं मार्केटिंग की फील्ड के बारे में बताएं, तो मार्केटिंग के लिए असद क्या स्कोप है, मतलब कनाडा में कोई जॉब सर्च वगैरह किए? हाँ, ऑब्वियसली जहाँ पे भी बिजनेस है उनको मार्केटर्स तो जरी बाजें चाहिए, तो मार्केटिंग की फील्ड तो हर टाइम अवेलेबल। तो कोई यूनिवर्सिटी तुम्हारे को ऐसी खास चीज करा रही है मार्केटिंग में, कोई कोर्स, कोई डिजिटल मार्केटिंग की कोई ऐसी चीज? वो कोऑप ऑफर करते हैं आपको। अच्छा अच्छा, तो आप सबके उसमें कोऑप है? मेरे वाले में वो ऑप्शनल है, वर्क एक्सपीरियंस सम है। तो कितने महीने का वाली? वो 6 मंथ्स का है। 6 मंथ्स का को-ऑप, 4 मंथ्स का, 4 मंथ्स का को-ऑप है, जिसमें आप एम्प्लॉयर के साथ जॉब भी कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये डिग्री के अंदर इंक्लूडेड है, राइट? हाँ, डिग्री, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो ऑप्ट करता है इसके लिए या नहीं। सही। असद तुम्हारा भी ऐसा ही है? हाँ, मेरा भी ऐसे है। अच्छा, आप, अच्छा, ये दोनों लंगारा से, राइट? दोनों लंगारा से कॉलेज है, तो लंगारा के अंदर कोऑप का ऑप्शन होता है, जिसमें आप एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हो। अब होता क्या, अगर आपको यूनिवर्सिटी उसमें या डिप्लोमा कॉलेज जो है वो आपको हेल्प करता है कि भाई आप 4 मंथ्स एम्प्लॉयर के साथ लगाओ, जॉब पे लगाओ, ये इंटर्नशिप सॉर्ट ऑफ चीज़ होती है। लेकिन होता क्या, ये ग्रेजुएट होने वाले होते हैं फाइनल सेमेस्टर में, और ग्रेजुएट होने के बाद वही कंपनी जिधर इन लोगों ने 4 महीने लगाए होते हैं, वो बोलती है आओ यार जॉब ऑफर भी लेके जाओ। ये ज़्यादातर 90-95% स्टूडेंट्स के साथ ये होता ही है,
ऐसा ही होता है सर? बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ स्टूडेंट्स वगैरह से पूछा था? हाँ बिल्कुल, और लंगारा का तो ये बहुत है कि वो मतलब जॉब्स वगैरह उनको बहुत आती हैं फाइनल सेमेस्टर में, तो इट्स अ गुड थिंग। इट्स अ गुड थिंग। और आपने कुछ अपना फेयरली डिकिंसन यूनिवर्सिटी है आई थिंक, ये कहाँ पे लोकेटेड है? डाउनटाउन में। डाउनटाउन में ही है भाई ये भी? इसके दो कैंपस है डाउनटाउन में। ओके, दो कैंपस है तो इसमें भी कोऑप है? हाँ है, 6 मंथ का, लेकिन ऑप्शनल है, लेकिन आप करना चाहें तो। अच्छा, ऑप्शनल होता है क्या? लेकिन आप लोग तो सारे करेंगे, right? करेंगे सारों को एम्प्लॉयर के थ्रू। अच्छा, और उसमें है जिससे यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं? मेरे में कोऑप नहीं है। कोऑप नहीं है, लाइक 3 साल की डिग्री है। अच्छा, एक चीज़ इनकी डिफरेंट थी इसमें, ये डिफरेंट था कि भाई मैंने अभी तक ये सुना था कि 4 साल की डिग्री होती है, राइट? लेकिन इनके पास क्या ऑप्शन है कि 3 साल की डिग्री है, आप 2.5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, 3 साल की डिग्री है तो यार क्या है, मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है वो? मतलब के फास्ट ट्रैक डिग्री है और 3 मंथ का ना उसका सेमेस्टर है, मिड्स नहीं होते इसमें, फाइनल्स हैं और असाइनमेंट्स वगैरह हैं। अच्छा तो भाई ये, अच्छा तुम्हारे फिर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वो है इसमें? कितने साल का? वो 3 साल का ही। अच्छा गाइस, तो ये भी एक ऑप्शन है जो, यार देखें मैं पहले यही सोच रहा था कि भाई यहाँ पे FSC पे नहीं आ रहे भाई, ये सारे FSC आई थिंक, खाली फैसल का डिफरेंट है बैचलर्स में मास्टर्स में, बाकी इन तीनों का जो है वो FSC का बैकग्राउंड है। वली का भी बैचलर्स है, असद और इनका जो है वो FSC का बैकग्राउंड है, और ये दोनों, असद जो है वो डिप्लोमा पे आए हैं, वली भी डिप्लोमा पे आए हैं, डिग्री पे आए, लेकिन उसकी कंडीशन आप ये जो है वो हाफ वे थ्रू जो है वो डिप्लोमा में कन्वर्ट करके 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ले सकते हैं, और वली का भी डिप्लोमा ही है। तो ये भाई वली आई थिंक स्वात से, राइट? जी बिल्कुल। तो भाई स्वात वाले बहुत लड़के मैसेज करते हैं भाई, स्वात वालों भाई आ रहे हैं लड़के यहाँ पे, काफ़ी लड़के आ रहे हैं, आप भी हिम्मत पकड़ो, फंड्स हैं। पहले साल का खर्चा होता है थोड़ा बहुत? पहले साल का होता है, GIC होता है, 1 साल की फीस होती है SDS में, और बाकी आपका टिकट वगैरह वो अपना खर्चा सर। पहले साल का GIC भी अपना ही है भाई, GIC का भी यही होता है, आपको $670-660 आपको मिलते रहते हैं हर महीने, राइट? फर्स्ट मंथ में 2000 मिलता है, उसके बाद 600, पहले महीने में $2000 मिलता है और उसके बाद 660 और इस तरह मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा यार वली मुझे ये बताओ कि अभी तो तुम आए हो, तो कुछ पार्ट टाइम जॉब्स का क्या हिसाब है यहाँ पे, खर्चा पानी निकल जाता है? लाइक अब आपके मेन खर्चे में आ गया आपका रहना, रेंट, और दूसरा आ गया खाना, तो क्या मतलब दोस्तों से पूछा है कि कितना हो जाता है? हाँ मैंने तो सुना है, असल में मैंने लैंडिंग की है लास्ट संडे, तो अभी मैंने पार्ट टाइम के लिए अप्लाई की है। हाँ तो अभी मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे परसों ही सेम नंबर मिला है जो आपको चाहिए होता है पार्ट टाइम के लिए, तो अब मैं अप्लाई करूँगा। लेकिन मैंने अपने फ्रेंड्स और दोस्तों से बाकी से सुना है कि आप पार्ट टाइम में आप निकलवा सकते हो अपना चाय पानी, और इवन मैंने ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स इवन अपना ट्यूशन फी भी बचा लेते हैं। तो इरादा है? हाँ बिल्कुल इरादा है, मैं आपसे भी कॉन्टेक्ट करूँगा और बाकी जितने आसिम भाई से मैं कॉन्टेक्ट करूँगा कि पार्ट टाइम मुझे मिले, और कोशिश करूँगा कि मैं भी मतलब मैं अपने लिए कुछ पैसे बचाऊँ नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह तुम्हारी कोशिश यही होगी कि भाई पहले साल की फ़ीस अम्मा अब्बा ने दे दी है, GIC दे दी है 1 साल की, बस अब खुद निकालना है खर्चा पानी। और असर तुम्हारा ये पार्ट टाइम जॉब वगैरह सेट है यहाँ पे? सेट है, ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं क्वारंटीन किया था, क्वारंटीन से निकलने के अगले ही मतलब हफ्ते मैं जॉब पे था। अच्छा, तो अभी तक अच्छा चल रहा है सब कुछ? एवरीथिंग इज गुड। चलो, और फैसल भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस था पार्ट टाइम जॉब्स का, मिल जाती है, मसले तो नहीं होते? मिल जाता है, मेरा तो IT का है ना, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ ज्यादा। भाई ये फ्रीलांसिंग वाले नई वीडियो बिल्कुल आने वाली है, उसमें बताएंगे कि ट्यूशन फीस कैसे निकाली जाती है भाई, ये उसमें से एक पॉइंट है ये, ठीक है? तो आप बताएं भाई। मैं भी पार्ट टाइम कर रहा हूं। पार्ट टाइम मिल गई, कितने टाइम में मिल गई? मुझे चौथे दिन मतलब कि ऑफर आ गई। चौथे दिन ऑफर आ गई भाई। भाई बहुत सारों का सवाल होता है कि भाई पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है शजी भाई, नहीं मिलती भाई, मिल गई चौथे दिन, मिल गई, काफी जॉब्स हैं यहां पार्ट टाइम। चलो गाइस, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच भाई, आपसे एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस शेयर होता है ना, उसमें बहुत आसानी हो जाती है, बहुत आसानी हो जाती है। अब मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा आपको इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन इन लोगों का आपको लाइव एक्सपीरियंस एक मास्टर्स पे, एक डिप्लोमा पे, एक ग्रोइंग फील्ड में आ रहा है डेटा एनालिटिक्स की, एक IT की फील्ड में, एक मार्केटिंग, एक सप्लाई चेन, आप सबके लिए आई थिंक काफ़ी जवाब हो चुके हैं मेरे ख्याल से। अगर आपको और कुछ भी पूछना है, सब कुछ करना है, आई थिंक असद का चैनल भी है भाई, असद का चैनल भी है, असद भाई का चैनल आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करेगा, मैं कोशिश करूँगा कि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ ताकि आप लोग को पता चले। असद से आपको कुछ क्वेरी पूछनी हो, उनके सोशल मीडिया पे जाके आप इनसे क्वेरीज पूछ सकते हैं, इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, टेक केयर।